नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं स्मार्ट 3.0 वर्कशीट की, हम बोल सकते हैं होमवर्क का सॉल्यूशन यहाँ पर दे सकते हैं। कक्षा 12 विषय है हिंदी विशिष्ट, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में आपको हिंदी विशिष्ट का बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दिनांक 18/1/2021 के अध्याय कुंवर नारायण, ठीक है। टॉपिक है बात सीधी थी पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें 5 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ पर फिल कर देना है एंड विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट न किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है, कविता के वाणी कविता के आधार पर बताइए उड़ने और खेलने का कविता से क्या संबंध है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर कविता के कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है इस चीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन था बात सीधी थी पर कुंवर नारायण के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है। जो बात सीधी है दोस्तों, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण के कोई दूसरा नहीं काव्य से ली गई है, कोई दूसरा नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है कोई दूसरा नहीं, ये नाम ही है, नहीं आप सोचे कि कोई दूसरा है पता नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नाम ही है कोई दूसरा नहीं काव्य से ली गई, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा क्वेश्चन जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई कविता का संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए चूड़ी मर गई प्रयास विफल रहा, कवि कहता है कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का यही परिणाम होता है जिसका उसे डरता, भाषा को तोड़ने मरोड़ने वह चमत्कार पूर्ण भारी भरकम शब्दों को कहने के चक्कर में उस कथ्य यानी सीधी बात का मूल भाव ही नष्ट हो गया, पेंच को जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ी मर गई और पेंच बेकार घूमने लग गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आएगा हमारा। देखिए कविता में बिंब योजना दर्शाते किन्हीं दो वाक्यांशों को लिखिए। देखिए प्रस्तुत का काव्यांश में कील की तरह टोकना पसीना पहुँचना तथा ऊपर से ठीक ठाक आदि वाक्यांशों में बिंब योजना है जिसमें भाषा प्रभावी बन गई है। तो ये आंसर 4 का है। अब आता है क्वेश्चन लास्ट जो है 5वां, बात ने एक शरारत की बच्चों की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा मैं कौन सा अलंकार है। तो इसको ध्यान पूरा एक बार पढ़ दीजिए, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा। तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार है। तो ये आपका कक्षा 12वीं केंद्रीय का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का हम यही समाप्त करेंगे, धन्यवाद दोस्तों। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट के साथ करो ना आउट, बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड UP महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो या फिर 6 से 12 तक IIT JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, या आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन।